अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका दोस्त आपका भाई छुपे रुस्तम से कदीर शुजा आबादी। मौजूद नाज़रीन, हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहती है, आपको अच्छी भी लगती है, आप अपने कमेंट्स भी करते हैं और हमारी कोशिश ये है हम आपके लिए अच्छे से अच्छी वीडियोस लाएं। मौजूद दोस्तों, मेरी आपसे गुजारिश है, अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर चुके हैं तो बहुत शुक्रिया, अगर नहीं किया तो आपसे गुजारिश है हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। आज का हमारा प्रोग्राम फन नक्काशी के हवाले से है। फन नक्काशी एक ऐसा पेशा है जो कम लोग जानते हैं, मगर मुल्तान में फन नक्काशी का काम अभी तक जारी है। रंग और नक्श निगारी का काम पिछली 9 सदियों से मुल्तान में जारी है। दुनिया में वाके ताजमहल की खूबसूरती और नक्श निगारी के लिए मुल्तान के कारीगर से मदद हासिल की गई थी। मिट्टी से बने बर्तन और ऊंट की खाल से बनी अशिया को भी नक्काशी से सजाया जाता है। मिट्टी से बनी चीजों पर ऊंट की खाल चढ़ाई जाती है जिसको सूखने के बाद मिट्टी को तोड़कर से निकाल दिया जाता है। इन चीजों पर ब्रश की मदद से रंग बखेरे जाते हैं और रंग बखेरने के लिए गुलेरी की दुम के बाल से बने ब्रश से काम किया जाता है। दुनिया की बारीक से बारीक पेंटिंग के लिए इस ब्रश का इस्तेमाल किया जाता है। तख्लीकी कुव्वत से नक्शों को दीवारों और आरायशी अशिया पर उतारने के लिए सख्त मेहनत करनी पड़ती है। फन नक्काशी मुल्तान का कदीमी फन है। गवर्नमेंट को चाहिए इस फन को मजीद अच्छा करने के लिए मुल्तान के कारीगरों से तआवुन करे। मज़ेद दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो कमेंट्स कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपसे गुजारिश है अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बहुत शुक्रिया।